अभी वहां पे जो है एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम महराज बलोच एंड यू आर ऑन एम बलोच व्लॉग्स। गाइज, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक, आपको, आपकी फैमिली को। और गाइज, आज का जो व्लॉग है, आज सुबह अभी मैं उठा हूँ, तो अभी से लेकर शाम तक इंशाल्लाह जो भी मेरे सामने होगा वो सब कुछ मैं शूट करूँगा और आप लोगों के लिए आपको दिखाऊंगा कि माशिकल ईद कैसे मनाते हैं, क्या क्या होता है, तो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले नमाज की तैयारी करते हैं, फिर व्लॉग कंटिन्यू है। तो गाइज़, अभी हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के घर पहुँचे हैं और आस्ते आस्ते सारे रिश्तेदार जो हैं वो इस टाइम आ रहे हैं और फिर एक एक करके सारे रिश्तेदारों के घर जो है जाना है इंशाल्लाह। तो उसके बाद गाइज़ व्लॉग के साथ रही, क्योंकि उसके बाद हम लोग जा रहे हैं रेगी, क्योंकि वहाँ पे तो तकरीबन वन व्हीलिंग और ये होता रहता है। तो सोच रहा हूँ कि वो भी कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ और इन्जॉय मैं भी करूँ, साथ साथ आप भी करूँ। गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं रेगी इस टाइम, और ये हमारा GTA रोड और 125 और साथ में द ग्रेट रूम फरार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और देखें क्या हो रहा है वहाँ पे, वो आप लोग भी देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद संजरानी फ्रॉम माशकेल। जैसा कि शमनी निमगा तमाम महराज बलोचे सब्सक्राइबर आना शमनी नेमगा श महराज बलोच नेमगा दिली ईद मुबारकबाद। वो जैसा कि मन माशकेल हस्ते हमें रेगी कि हमें इंजॉयमेंट से जा गए यहाँ सर, यहाँ पे तकरीबन तो के वन व्हीलिंग या रेसिंग भी यहाँ पे हर साल वन व्हीलिंग होता है, रेसिंग होता है, और आज रेसिंग की वजह से एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है और आज हमने देखा कि एक्सीडेंट के बाद अभी वन व्हीलिंग और रेसिंग खत्म हो। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने जैसे देखा अभी वहाँ पे जो है एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, और ये यहाँ पे हर साल होता है। तो कार्रवाई तो बहुत हुई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, तैयार नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी एंजॉयमेंट है, एंजॉयबल है, और यहाँ पे एंजॉय करते हैं लोग। और ईद यहाँ पे ये ऐसा 3 दिन तक चलता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।